दोस्तों काफी लंबे समय से हम सभी पावर स्टार की फिल्म हर हर गंगे का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों फाइनली इस फिल्म का टीजर हम सभी के बीच रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं इसी टीजर को और इसके साथ ही साथ आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर फिल्म का ट्रेलर कब देखने को मिलेगा और आखिर कब ये फिल्म आप सभी के बीच रिलीज की जाएगी। दोस्तों अगर एक शब्द में बोला जाए तो हर हर गंगे फिल्म का टीजर एकदम बवाल है। दोस्तों जैसे ही ये टीजर शुरू होता है पहले सीन में ही हम सभी को इस टीजर को देखते हुए KGF वाली फील आने लगती है। और दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दोस्तों KGF में भी हम लोगों ने कुछ ऐसा ही सीन देखा हुआ है और बिल्कुल दोस्तों उसी स्टाइल में नाइट में इस सीन को शूट किया गया है और इसके साथ ही साथ बैकग्राउंड स्कोर भी लगभग उसी तरीके का है। तो दोस्तों इसीलिए स्टार्टिंग में ही हम सभी को KGF वाली फील आती है। इसके बाद दोस्तों पावर स्टार के अलग अलग लुक को दिखाया जाता है जिन सभी लुक में पावर स्टार बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। वो चाहे कुल्हाड़ी वाला सीन हो या फिर उनका अघोरी वाला लुक हो, हर लुक में पावर स्टार बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। टीजर में आप सभी को अंडर वाटर सीन भी दिखाया गया है जो कि बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। दोस्तों इस फिल्म का सिनेमेटोग्राफी से लेकर के BGM और डायलॉग तक सभी बिल्कुल मस्त लग रहा है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आप सभी को बता दें कि इस फिल्म का BGM दिया है एक बंगाली फिल्म के बड़े ही म्यूजिशियन ने। और सो इस फिल्म के अंडर वाटर सीन को शूट किया है अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु की टीम ने। दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर चंदन उपाध्याय जी ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है जो कि इस टीजर में देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस टीजर में सभी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें विलन अमित तिवारी, अरविंद अकेला कल्लू और एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा भी नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों टीजर है इसीलिए हम सभी को थोड़ा थोड़ा सीन ही देखने को मिला है, लेकिन उम्मीद है कि ट्रेलर में आप सभी को काफी कुछ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इस टीजर में एक ऐसा भी सीन दिखाया गया है जिसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा बातें बनाने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता है मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह का जो मगरमच्छ वाला लुक है उसमें जो मगरमच्छ है वो CGI से बनाया गया है जो कि थोड़ा सा एनिमेटेड लग रहा है। और दोस्तों इसी सीन को लेकर के सभी लोग इस टीजर को क्रिटिसाइज करने वाले हैं, तो उन लोगों से मेरी अपील यही है कि इस फिल्म के टीजर को बुरा भला बोलने से पहले आप सभी इस फिल्म के एक बार बजट को भी देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोग इस फिल्म को कंपेयर करेंगे बॉलीवुड के या फिर हॉलीवुड फिल्मों से। दोस्तों मुझे लगता है कि ये फिल्म 3 से 5 करोड़ के आसपास में बनी है, जो कि अगर आप सभी एक रियलिस्टिक मगरमच्छ को बनाना चाहते हैं तो इस फिल्म का पूरा बजट सिर्फ उसी को बनाने में लग जाएगा और दोस्तों शायद उसके बाद भी वो पूरी तरीके से रियल ना लगे, क्योंकि दोस्तों एक रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाने में 10 से 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है, वहीं हॉलीवुड में 100 से 150-200 करोड़ सिर्फ एक कैरेक्टर को बनाने में लग जाता है। और सो इस फिल्म के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में एक जमीन से जुड़ी फिल्म को बनाई गई है जिसमें एक रियल मुद्दे को उठाया गया है और अपने धर्म और रिलीजन को लेकर के ये फिल्म बनी है। तो सो इस फिल्म में आप सभी को खूब सारा एक्शन तो देखने को मिलेगा ही, इस फिल्म की कहानी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब दोस्तों बात करें कि आखिर आप सभी को फिल्म का ट्रेलर कब देखने को मिलेगा, तो दोस्तों ट्रेलर की भी एडिटिंग हो चुकी है और बाकी अभी फिल्म के कुछ VFX पे काम जारी है। और चंदन उपाध्याय जी ने बताया है कि इस फिल्म का VFX कंप्लीट होने में अभी भी पूरा 1 महीना लगने वाला है। तो ट्रेलर दोस्तों 1 से 2 महीने के बाद ही आप सभी के बीच रिलीज किया जाएगा और उसके बाद ही ये फिल्म आप सभी को देखने को मिलेगी। दोस्तों रेटिंग की बात करें तो 10 में से 8 नंबर इस टीजर को दिया जा सकता है। बाकी आप सभी को टीजर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए पावर स्टार से जुड़ी हर एक अपडेट पाने।